राजधानी देहरादून स्थित जलागम मुख्यालय में जलागम मंत्री सतपाल महाराज की अध्यक्षता में कई योजनाओं को लेकर समीक्षा बैठक हुई। जलागम विभाग के द्वारा वर्तमान में 3 परियोजनाएं संचालित की जा रही हैं, जिनकी आज समीक्षा बैठक की गई है। इन परियोजनाओं में केंद्र पोषित प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, आईफेड पोषित एकीकृत आजीविका सहयोग परियोजना एवं विश्व बैंक पोषित उत्तराखंड विकेंद्रीकृत जलागम विकास परियोजना ग्राम्या 2 है। इन सभी परियोजनाओं में ग्रामीण समुदाय की सहभागिता के विभिन्न गतिविधियां संचालित की जा रही हैं, जिनमें जल संरक्षण, जल संवर्धन और जल संग्रहण के कार्य किए जा रहे हैं। इस दौरान जलाकर विभाग द्वारा अब तक किए गए कार्यों की एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी मंत्री जी के सम्मुख प्रस्तुत की गई है। आज जलागम विभाग की 3 परियोजनाएं की हमने समीक्षा की है। इसमें केंद्र पोषित प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, आईफेड पोषित एकीकृत आजीविका सहयोग परियोजना और वर्ल्ड बैंक की जो ग्राम्या 2 है, इन सब की समीक्षा की गई। इन परियोजनाओं के माध्यम से लगभग 6000 हेक्टेयर में वृक्षारोपण तथा बांध क्षेत्रों के पुनरुद्धार के कार्य किए गए हैं और इसमें जो वाटर परकुलेशन है और वाटर रिटेंशन है, इसका काम किया गया है और इसमें बहुत से पौधे भी लगाए गए हैं, फलों के पौधे लगाए गए हैं और चाल खाल के पुनरुद्धार के लिए 3 वर्षों में लगभग 3,350 लाख लीटर जल संचय क्षमता का सृजन किया गया है और परियोजना का लगभग 3,500 हेक्टेयर सकल संचित क्षेत्रफल की जो है इसमें हमने वृद्धि की है। तो ये बड़ी इम्पॉर्टेंट योजना है और हमारे पहाड़ों के अंदर पानी को रोकने के लिए और जल के संवर्धन के लिए अभी कांवड़ यात्रा हो रही है और कांवड़ यात्रा भी इसी भावना से कांवड़ यात्रा करते हैं कि हम पवित्र को जल को लेकर के भगवान को चढ़ाएंगे। तो ये भी एक किस्म से जल का संवर्धन और उसका संचय करना, उसको कलेक्ट करना और भगवान को चढ़ाना, ये जल के महत्व को दर्शाता है। लाइव उत्तराखंड के लिए देहरादून से मोनू राजपूत की रिपोर्ट।